चूज कर लेना है, चूज ऑफ लोन पर्पस पे जाना है एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। वो करने के साथ ही आपको आगे बढ़ना है और यहाँ पे आपको जो है दिखाएगा 5,000 से 90,000 के बीच में मेरा लोन जो है यहाँ पे एलिजिबल है, यानी मैं 5,000 रुपए से लेकर 90,000 रुपए तक के लोन को बड़ी आसानी से ले सकता हूँ। और ये लोन जो है मुझे 12 महीने में चुकाना होगा तो मेरे आसान होगा। तो ईएमआई मंथ पे आपको दिखा दे कि 8,774 रुपए शो कर रहा है। कैसे करना होगा, फिनिश लोन एप्लीकेशन में जाना है। सबसे पहले मुझे अपनी जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ उस कंपनी का नाम, डेजिग्नेशन और नेचर ऑफ जॉब बतानी है। साथ ही मैं यहाँ पे जो है क्योंकि मुझे एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट, तो दोस्तों बहुत स्वागत है आप लोगों का लोन पाओ के इस वीडियो में। और आज आप देखने वाले हो एक ऐसे कमाल के लोन एप्लीकेशन के बारे में जहां से आप लोग मैक्सिमम 1 लाख 2 लाख रुपए तक का लोन बड़ी ही आसानी से ले पाओगे। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एप्लीकेशन से जहां से 5,000 रुपए तक का लोन, 5,000 रुपए से लेकर लोन और 1 लाख रुपए तक के लोन आपको आसानी मिल जाएगा। 2 लाख नहीं, 5,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का लोन आपको बड़ी ही आसानी से मिल जाएगा। और ये आपको मिलेगा बड़ी ही आसानी से क्योंकि यहाँ पे जो आपको मिनिमम टाइम पीरियड है लोन चुकाने का वो 90 दिन है, यानी कि 3 महीना, 3 महीना आई थिंक, हाँ 3 महीने ही है। और जो ज्यादा से ज्यादा समय है वो है 24 महीना। तो इसका मतलब आप लोग बड़ी आसानी से लोन चुका सकते हो। लेकिन इन सभी के बीच में गेम ये है कि बहुत ज्यादा लोगों के दिमाग में एक डाउट आता है कि पहली बात, मेरे पास इनकम प्रूफ नहीं है, मेरे पास जो है यहाँ पे सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड ही है, मेरे पास जो है यहाँ पे सिर्फ सिंपल तौर पर बात किया तो मैं सैलरी तो हूँ, मैं पैसा कमा लेता हूँ, पर मेरी सैलरी वाली बात तो 12,000 है। दूसरी बात, सैलरी पे जहाँ पे काम करता हूँ वहां से मुझे डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं मिलता है, सैलरी स्लिप नहीं मिलती, या बैंक स्टेटमेंट मेरे पास शायद इतनी अवेलेबल नहीं है कि जिसके बेसिस पे मैं लोन ले सकूं। तो क्या ये सभी चीजों के ना होने में मुझे लोन मिलेगा? तो इसके बारे में क्या है मेरा क्लियर कट जवाब और आपको कैसे मिलेगा लोन, ये आप जानोगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करो, शेयर करो एंड कॉमेंट बॉक्स में लिख के बताना आपको अपना नाम की किस जगह से वीडियो वॉच कर रहे हो और आपका नाम क्या है। एंड शुरू करते हैं इस वीडियो को। ये आपकी वीडियो है, वीडियो के जैसे नीचे आपका टाइटल होता है, जैसे आप टाइटल पर टैप करेंगे आपके सामने आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिलेगी ये वेबसाइट लिंक, जिसमें सबसे पहले कर देना है क्लिक। वेबसाइट लिंक पे क्लिक करने के साथ ही आप सीधा पहुंचेंगे loanpower.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पहुंचने के साथ ही आपको तमाम तरीके की अलग अलग जो है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन जैसे कि कंटेंट देखने को मिलेगा। अब इसमें आपको जाना है ऐप लोन की कैटेगरी पे, जो कि आप देख सकते हैं। तो ऐप लोन की कैटेगरी पे जाओ तो यहाँ पे जो भी एप्लीकेशन द्वारा आपको लोन दिया जाएगा उसकी लिस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। अब जो भी यहाँ पे आपको लिस्ट देखने को मिल रही है, इसमें एप्लीकेशन द्वारा आपको लोन मिलना बड़ा ही आसान है। तो ऐसे में आपको जिस एप्लीकेशन से आज की वीडियो में आप लोन लेने वाली है उसको आपको फाइंड करना होगा। इसके लिए आपको सर्च पे जाना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है लोन एप्लीकेशन का नाम जो कि है नीरा। ठीक है, नीरा डाल के आपको सिंपली सर्च करना है। जैसे कीवर्ड को डालोगे आपके सामने रिजल्ट आएगा कि नीरा लोन ऐप से लोन कैसे ले, कैसे अप्लाई करें। तो आपके सामने ये आर्टिकल है, आर्टिकल पे जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने आपको जो पूरा आर्टिकल है डिटेल्ड में एक्सपांड हो जाएगा कि भाई नीरा लोन ऐप क्या है, नीरा लोन ऐप से लोन कैसे लिया जाता है, आज तक कितने लोगों ने यहाँ से लोन अप्लाई किया हुआ है, इस लोन ऐप से लोन लेने में क्या क्या कितना फायदा होता है, क्या क्या मिलता है, कितने दिनों के लिए लोन मिल जाता है, आपको कितना ब्याज देना पड़ेगा, और तरीके की जितनी भी जानकारी है, डॉक्यूमेंट्स या फिर बात करें यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो सभी को अगर आप समअप करके देखें तो आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि यहाँ से लोन लेना आपके लिए बड़ा ही आसान है। और कितने लोगों का सही एक्सपीरियंस रहा है एप्लीकेशन में, तो वो आपको यहाँ पे फीडबैक के तौर पर पता चल जाएगा कि बहुत ज्यादा लोगों ने यहाँ से लोन अप्लाई किया है और उसमें से बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कि लोन ना ले पाए हो, जो निराश हुए हो, वरना सबको ही यहाँ पे लोन मिला है। अब ऐसे में यहाँ पे बात याद है लोन को अप्लाई करने की, तो कैसे करेंगे? एक है यहाँ पे विजिट का लिंक, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये है विजिट का लिंक। और दूसरा है आप जब गूगल प्ले स्टोर पे जाकर डायरेक्टली जो है नीरा ऐप सर्च कर सकते हो। विजिट लिंक पे क्लिक करोगे तो सीधा आप लोग जो है नीरा एप्लीकेशन के ही, यानी गूगल प्ले स्टोर के अंदर नीरा ऐप के ही ऑफिशियल वेब पेज पे पहुंच जाओगे। और यहाँ पहुंचने के बाद अभी तक जो बता दूं तो 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लिया है। कितने? 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने। तो अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया तो क्या कर रहे हो, फटाफट जाके इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करो। और साथ ही में जो है जब तक आप लोग इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर रहे हो तो हम बात करते हैं कि यहाँ से लोन कैसे लिया जाएगा। वैसे तो आपको पता है कि 5,000 से लेकर 1 लाख के बीच में लोन मिलता है, जो एनुअल परसेंटेज रेट 24% की है। लोन चुकाने का ज्यादा से ज्यादा समय 24 महीना है। प्रोसेसिंग फीस की बात करें तो लगेगा आपको 350 प्लस जीएसटी और अप टू 2 से 7% ऑफ योर लोन अमाउंट। ठीक है, और साथ ही में प्री पेमेंट जो फी है वो 0 विद इन 7 डेज ऑफ डिसबर्सल है और 4% प्री पेमेंट अमाउंट दियर आफ्टर है। बाकी लेट फीस अगर आपका ईएमआई कभी आपको डेट दिया हुआ है और ईएमआई को आप नहीं पे कर पाते हो उस लिमिटेड डेट के अंदर, तो आप जो है अगले दिन से उस पे जो है आपका लेट फीस चार्ज लाइक 500 रुपीज लग जाएगा। और अगर आपको ये जानना है कि एग्जाम्पल के साथ में कि आप जो है कितने रुपए तक का लोन लो, तो कितने रुपए तक का आपका लोन मिल जाते जाते लास्ट में वापस करना पड़ेगा, इस बीच में कितने सारे आपको जो है टैक्सेस चार्जेस देने पड़ेंगे, वो सबकी जानकारी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो बस मैं आपसे यही बताऊंगा कि मैंने कई बार इसके बारे में चर्चा की ही हुई है, आप लोग भी जरूर से जो है इस एप्लीकेशन को देखो और समझो कि कितने क्या चार्जेस लग रहे हैं। अगर इन सबके बाद भी अगर आप एग्री हो तो डेफिनेटली लोन का इस लोन ऐप को आपने इंस्टॉल कर ही लिया है, इसको फटाफट से करना है। इसको ओपन करने के साथ ही कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा जो कि आप मोबाइल स्क्रीन पर देख पाएंगे। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले आपको अपनी लैंग्वेज को चूज करना है, ओके करके। यहाँ पे लैंग्वेज चूज करने के साथ ही आपको अपना जो है लोन अमाउंट यहाँ पे चूज करना है स्क्रॉल करके, और साथ ही में कितने महीने की लोन ले रहे हो वो भी चूज करके। ईएमआई मंथ डेट आपको यहाँ पे बता देगा कि आपकी पर मंथ ईएमआई कितनी जाएगी। साथ ही में यहाँ पे 3 बेसिक स्टेप्स को कंप्लीट करके आपको आपका लोन मिलेगा, प्रोसीड पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर वो डालने की कोशिश करना जो आपके आधार कार्ड मोबाइल नंबर वगैरह से लिंक हो। और
जैसे मोबाइल में डालोगे तो ओटीपी आएगा, ओटीपी जैसे डालोगे रजिस्टर बटन पर टैप करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको जो है अपने बताना है एम्प्लॉयमेंट, आप सैलरीड हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, जो भी हो इनमें से आपको बताना है आगे चल के। और जैसे मान लो सैलरीड हो तो आप जो सैलरी कैसे पाते हो, कैश में, बैंक अकाउंट में या फिर दोनों ही। अब वो हाथ में आते आते आपकी सैलरी कितनी आती है वो बताना है आपको, प्रोसीड पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है जिसमें आपको अपना पूरा नाम देना है जो आपके आधार कार्ड में शो जैसा हो रहा है वैसे एग्जैक्टली, डेट ऑफ बर्थ कोशिश करना आधार कार्ड पैन कार्ड के हिसाब से दे, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, कितना टाइम तक और कितने साल तक आपने काम किया, एक्सपीरियंस क्या है, और एरिया का आपका पिन कोड क्या है वो डाल के प्रोसीड पे क्लिक करना है। और जेंडर चूज करना है, मेडिकल स्टेटस या मोबाइल नंबर लिंक है कि नहीं आधार कार्ड से, आपके साथ कोई ऑलरेडी कोई ऑनगोइंग लोन चल रहा है कि नहीं वो बताने के साथ ही आपको लोन का पर्पस यहाँ पे चूज कर लेना है, चूज ऑफ लोन पर्पस जाना है, प्रोसीड पे क्लिक करना है। वो करने के साथ ही आपको आगे बढ़ना है और यहाँ पे आपको जो है दिखाएगा 5,000 से 90,000 के बीच में मेरा लोन जो है यहाँ पे एलिजिबल है, यानी मैं 5,000 रुपए से लेकर 90,000 रुपए तक के लोन को बड़ी आसानी से ले सकता हूँ। और ये लोन जो है मुझे 12 महीने में चुकाना होगा तो मेरे लिए आसान होगा। तो ईएमआई मंथ पे आपको दिखा दे कि 8,774 रुपए शो कर रहा है। कैसे करना होगा, फिनिश लोन एप्लीकेशन में जाना है। सबसे पहले मुझे अपनी जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ उस कंपनी का नाम, डेजिग्नेशन और नेचर ऑफ जॉब बतानी है। साथ ही मैं यहाँ पे जो है क्योंकि मुझे एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट करनी है तो मैं आईडी प्रूफ के थ्रू भी कर सकता हूँ और कंपनी के ईमेल को वेरीफाई करके भी कर सकता हूँ। तो मैं अपलोड आईडी प्रूफ पे जाता हूँ और यहाँ पे अपने जो है जितने भी फोटोज है एम्प्लॉयड आईडी के वो मैं आगे और पीछे दोनों का दे दूंगा एंड अपलोड पे जाऊंगा। इसके बाद मुझे जो है सेल्फी अपलोड हो चुकी है, सेल्फी अपलोड कर देनी है, पैन कार्ड अपलोड करना है, पैन कार्ड का जो ओरिजिनल फोटो है वो, और साथ ही करंट एड्रेस वो करने के साथ ही करंट एड्रेस प्रूफ के लिए जो है मैं यहाँ पे अपनी जो है रिसेंटली सैलरी स्लिप दे सकता हूँ महीने की, ठीक है, और वो अपलोड कर सकता हूँ। और फिर इसका मुझे जो है आधार केवाईसी कंप्लीट करने के लिए आधार कार्ड नंबर डालना होगा 12 डिजिट का। इसके वजह से क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मेरा जो है ये आधार केवाईसी भी कंप्लीट हो जाएगा। इसका मुझे जो है सिंपली प्रोसीड टू गेट योर लोन पे जाना है और यहाँ पे मुझे अपना जो है लोन चूज करना है, टेन्योर चूज करना है कितने महीने के लिए, और बाकी सारे नीचे यहाँ पे आपको अमाउंट शोज हो रहे होंगे किस प्रकार के, किस पे कितना चार्ज लगने वाला है। फिर गेट माई लोन पे क्लिक करेंगे, इसके बाद देखेंगे कि मैंने लोन अमाउंट कौन सा चूज किया, प्रोसेसिंग फीस कितनी लग रही है, जीएसटी कितना लग रहा है, मंथली ईएमआई कितनी और पहली ईएमआई कितनी लगी, पहली ईएमआई कितनी जा रही है, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। इसके बाद ब्यूरो फिंगर इन्फॉर्मेशन टिक मार्क करके प्रोसीड पे करना है। इसके बाद फादर नेम, मदर नेम, हस्बैंड नेम आप डाल सकते हो, सबमिट बटन पे टैप करना है। इसके बाद आपका जैसे करंट एड्रेस वेरिफिकेशन हो जाए इसके बाद आपको एक्सेप्ट के बटन पे करना है टैप, देन इसके बाद आपको प्रोसीड करना है। आपका यहाँ पे जो है क्रेडिट हिस्ट्री दिखाएगा या क्रेडिट स्कोर्स के, यहाँ पे कंटिन्यू विद माय लोन एप्लीकेशन पे जाना है। आपका यहाँ पे डालना है कि प्लीज मेक श्योर टू प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ द अकाउंट इन विच योर सैलरी इज रिसीव सैलरी, यानी कि जिसमें आप अपने जो है सैलरी पाते हो वो सैलरी अकाउंट डाल के आपको आईएफएससी कोड डालना है। इसके बाद डालने के साथ ही आपको आगे बढ़ना है और यहाँ पे उसका बैंक स्टेटमेंट आपको जो है प्रोवाइड करना है जो नेट बैंकिंग सबसे फास्टेस्ट मेथड है। उसके बाद जो है यहाँ पे बैंक को चूज कर लेना है, वो करने के साथ ही आपको यहाँ पे जो है फिनिश एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो है आप अपने बैंक स्टेटमेंट को अपलोड कर सकते हो थ्रू द पीडीएफ भी, ठीक है, जैसे तैसे करके आपको अपने पीडीएफ अपलोड करना है। इसके बाद आपको अपनी जो लोन एग्रीमेंट जो इतने देश में कर रहे हो लोन अप्लाई उसका जो एग्रीमेंट है उसको सिग्नेचर कंप्लीट करना है, कन्फर्म कर देना है, और अब आपको जो है और सेटअप ऑटो ईएमआई पेमेंट यानी ई मैंडेट कर देना है। और उसके बाद लास्ट प्रोसेस है आपका डिसबर्सल का, वो जैसे कर दो जैसे देखते हो ई मैंडेट पे आ चुके हैं हम लोग, तो ई मैंडेट को कंप्लीट कर देना है और ई मैंडेट कंप्लीट करने के साथ ही मेरा जो लोन डिसबर्समेंट लग चुका है। यही था वो माध्यम जिसके माध्यम से आप लोग जो है नीरा ऐप से लोन ले सकते हो, 1.5 से 1 लाख रुपए तक का, मतलब 5,000 से 1 लाख के बीच में, जैसे मेरा 90,000 रुपए तक का जो है, 90,000 रुपए का तो जो है तक जो है मेरा एलिजिबल था। तो आपको कैसे लगी वीडियो कमेंट्स में जरूर बताना।